लेट अस टॉक अबाउट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पॉर्टेंट है। जब आप ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की बात करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि वो कैरेक्टर्स या वो डिसऑर्डर्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, ऑटोसोम से। ये सेक्स क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं रखता, इसका सीधा रिलेशन जो है ऑटोसोम से है, उसे आप ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहोगे। When you talk about humans, तो humans में basically दो type के cells होते हैं। एक आप कह देते हो somatic cell और दूसरा जो आप कहते हो वो क्या कहलाता है, germ cell। तो जो somatic cell है उसे आप क्या कहते हो, 2n is equal to 46 और germ cell में आप क्या कहते हो, n is equal to 23। तो हम यहाँ पर basically इस 46 का bifurcation देखेंगे जो दो part में divided है, 44 और 2। और जो 44 है जो बॉडी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे आप क्या कह देते हो, ऑटोसोम्स। सो बेसिकली हमारा मेन कंसर्न जो हुआ वो ऑटोसोम्स पे है। तो अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटरमिनेशन, जिसको हमने नंबर 2 कह दिया। ये 2XY भी हो सकता है और XX भी हो सकता है। और ऑटोसोम्स जो होते हैं बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट। अब ऑटोसोम का काम क्या है, तो याद रखना ऑटोसोम जो है वो हमारे बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा फेस कैसा होगा, हमारे बॉडी का हाइट क्या होगा, हम लुक वाइज पापा पे जाएंगे या मम्मी पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारा बॉडी कैरेक्टर्स क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑटोसोम। और यही जो इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन पे, इसको आप कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि जो ऑटोसोम्स हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी आप कैरेक्टर्स पढ़ रहे हो वो दो कंडीशन में आएंगे। एक तो वो डोमिनेंट है, मतलब एक भी जीन रहा तो हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दूसरा जो होता है रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब वो तभी एक्सप्रेस करता है जब होमोजाइगस कंडीशन में वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल ए कैपिटल हुआ तो भी एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ तो भी एक्सप्रेस करेगा। लेकिन रिसेसिव में क्या है, हमेशा अगर स्मॉल ए का कंडीशन आया तो ही वो एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरीके से क्या समझ में आता है हमें कि ऑटोसोम्स में दो ट्रेट आ जाते हैं। सबसे पहला कहलाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, मतलब ये वो ट्रेट है अगर एक जीन भी रहा तो हर कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और जो दूसरा हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव मतलब वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की बात करोगे तो इसमें आ जाता है विडोज पीक। विडोज पीक जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। दूसरा जो आता है उसे आप कहते हो हंटिंगटन डिजीज। तो यहाँ पर दो बीमारी हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली विडोज पीक कोई बीमारी नहीं है, हंटिंगटन्स डिजीज एक बीमारी है। विडोज पीक जो है बालों से रिलेटेड है, वो अभी मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में जो सबसे भयंकर बीमारी चलती है वो है पीकेयू। पीकेयू का फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये है पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहलाता है। दूसरा जो है उसे आप कहते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। और तीसरा जो है SCA, जिसे आप सिकल सेल एनीमिया कहते हो, जो हमने प्लियोट्रॉपी के अंदर पढ़ा है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर या डिजीज जो हम पढ़ेंगे वो हम विडोज पीक का नाम लेते हैं। देखो हर एक का अपना एक हेयर स्टाइल है। अब आप अपने बालों को अगर हाथों से पकड़ के पीछे की तरफ खींचेंगे फोरहेड को, और आपको अगर आपके बाल में जैसे एक हेयर स्टाइल जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली कुछ हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं ये सिंपल वाले हैं जहाँ पे साइड है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा पाया गया है कि उनका हेयर स्टाइल इस तरीके का होता है, मतलब उनके पास में यहाँ पे एक पीक दिखता है और यही पीक जो है बेसिकली हम कहते हैं विडोज पीक। तो ये जो पॉइंटेड अगर आपको दिख जाए तो इसे हम कहेंगे विडोज पीक प्रेजेंट है, और इसके अंदर हम कह सकते हैं नो विडोज पीक। तो यहाँ पर विडोज पीक नहीं है तो इसे हमने कह दिया नो विडोज पीक। और दूसरे वाले में आप देखोगे तो आप क्या कह दोगे, पीक प्रेजेंट है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, विडो स्पीक है और विडो स्पीक नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, हम कहते हैं प्रोमिनेंट, बहुत ध्यान से समझना, हाँ एक प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइन अगर आपको फोरहेड पे दिखता है, तो प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइन ऑन फोरहेड अगर आपको दिख रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देते हैं विडोस पीक। अब ये जो है डिटरमाइन कैसे होगा, तो याद रखना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये हुआ कि अगर एक भी जीन हुआ तो ये विडोस पीक हमारे हेयर स्टाइल में दिखाई देगा। सो विडोस पीक हर एक कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। चलो इसको देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो जहां तक एक्सप्रेस की बात आएगी, अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कैपिटल डब्ल्यू हुआ तो भी विडोस पीक आएगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हुआ तो ये हेट्रोजाइगस है, फिर भी जो है बेसिकली वो विडोस पीक दिखाएगा। लेकिन अगर वो स्मॉल डब्ल्यू दिखा रहा है तो ये विडोस पीक एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो हम कहते हैं डज नॉट एक्सप्रेसेस, तो ये आपका हो गया स्मॉल डब्ल्यू तो इसे एक ही कहा जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट। अब विडोस पीक क्या सिर्फ फीमेल में मिलता है, बिल्कुल नहीं, विडोस पीक इज सीन इन बोथ मेल एंड फीमेल। क्यों मेल एंड फीमेल या किसी सेक्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है, तो यहाँ पर जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक हेयर स्टाइल का पैटर्न है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं पीकेयू, ये थोड़ा सा डेंजरस डिजीज है पीकेयू। पीकेयू का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो पीकेयू इज नथिंग बट व्हाट, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब सवाल उठता है कि इस फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है, तो एक बात याद रखिएगा ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब ये बाय बर्थ है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, इट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब राइट फ्रॉम बर्थ आपको ये बीमारी होगी, तो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाउ इट इज कॉज्ड, तो हम कहते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका एक रीजन है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल जीन, तो ये एक अच्छी बात है कि ये रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट है, तो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन की वजह से ये होता है, मतलब अगर ये दो होमोजाइगस कंडीशन में तभी एक्सप्रेस करेगा। तो हम एक कंडीशन देख लेते हैं, जैसे मान लो ये पीकेयू का जीन जो है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए स्मॉल ए, अगर ये कंडीशन हो गया तो बेसिकली ये क्या हो गया, तो इसे हमने कह दिया होमोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर इंसान को फिनाइल कीटोन्यूरिया का डिसऑर्डर होगा। अगर यही कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो इसको कभी जिंदगी में पीकेयू नहीं होता। अब इसमें होता क्या है, जब होमोजाइगस कंडीशन में कोई इंसान सफर कर रहा है तो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एंजाइम नहीं बनता, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज ये नाम का जो है एंजाइम नहीं बनता, तो हम कहते हैं फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब ये एंजाइम अगर प्रोड्यूस नहीं होता है तो उससे क्या होता है, ये एंजाइम जरूरी क्यों है, तो एक बात याद रखिएगा कि फिनाइल एलानाइन को नॉर्मली हर एक इंसान में कन्वर्ट हो जाना पड़ता है टायरोसिन में, तो फिनाइल एलानाइन नॉर्मली जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू वन ऑफ द अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। अब सवाल उठता है अगर किसी में ये एंजाइम नहीं है तो ये फिनाइल एलानाइन का जो कन्वर्जन हम देख रहे हो किसकी वजह से होता है, तो सिंपल सा यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, क्या नाम है एंजाइम का, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, इसकी वजह से कन्वर्जन होता है। अब ये इंसान जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफर कर रहा है तो बेसिकली इसके अंदर ये एंजाइम बनेगा नहीं, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है ये फिनाइल एलानाइन क्या होगा, ब्लड के अंदर जमा होने लगता है, तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस देयरफॉर, अब ये नहीं है ना, तो इस वजह से क्या होता है, फिनाइल एलानाइन गेट्स एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाता है ब्लड में, और ब्लड में जमा हुआ तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं
गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ब्लड और आपके ब्लड में जमा हो गया। इनफैक्ट सीएसएफ में भी हो जाता है। सीएसएफ क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है एक फ्लूइड से सराउंडेड है, जिसे हम सीएसएफ कहते हैं। और यही फिनाइल एलानाइन जब कंटिन्यूस एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये करता क्या है? इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो फिनाइल एलानाइन के जमा होने की वजह से इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। और अगर ब्रेन का डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान कैसा हो जाएगा? तो हम कहेंगे मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली रिटार्डेड। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर फिनाइल एलानाइन जमा हो रहा है तो ब्रेन के फंक्शनिंग को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब ये इसमें होता गया, इसको फिनाइल कीटोन यूरिया का नाम क्यों दिया गया? तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि फिनाइल एलानाइन जब हद से ज्यादा जमा हो जाता है तो हम कहते हैं एक्सेस ऑफ फिनाइल एलानाइन। मान लो बहुत ज्यादा जमा हो गया ब्लड में, सीएसएफ में, तो ये जो एक्सेस ऑफ फिनाइल एलानाइन है ना, वो यूरिन के फॉर्म में लॉस होता है। तो हम कहते हैं एक्सेस ऑफ फिनाइल एलानाइन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और ये यूरिन में जब एक्सक्रीट होता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया फिनाइल कीटोन यूरिया। यूरिया जो लास्ट में है वो यूरिन को डिनोट करता है। और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों मेल और फीमेल में इक्वल फ्रीक्वेंसी में हो। मतलब अगर जो लड़का शादी कर रहा है वो मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, और जो लड़की शादी कर रही है वो कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये पाओगे कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, 25% प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल ए साथ में आ जाए और वो बच्चे को डिसऑर्डर हो जाए फिनाइल कीटोन यूरिया का, जिसको हम पीकेयू का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें बात करना है वो है वाई लिंक्ड जीन पर। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो हमारा पार्ट मिस हो गया था। तो हम वाई लिंक्ड जीन पे बात कर लेते हैं। जितने भी वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं उन्हें हम एक नाम देते हैं। तो वाई लिंक पे रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन। ये सिर्फ और सिर्फ मेल पे पाया जाता है, ये नॉन होमोलोगस रीजन पे लोकेटेड होंगे। और ये इनहेरिट कहाँ से होंगे? तो हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन जो होता है इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू मेल, वो मेल से मेल को ही चलेगा। और इसमें हमने दो एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ था, एक सबसे इंपॉर्टेंट था कान के ऊपर बाल आना। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं होलैंड्रिक जीन। अब इस होलैंड्रिक जीन को कोरिलेट करते हैं, चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि होलैंड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम की बात हो रही है। होलैंड्रिक जीन जो वाई क्रोमोसोम है इसमें टोटल कितने जीन्स होते हैं? तो हम कहते हैं टोटल देयर आर 231 जीन। सबसे छोटा क्रोमोसोम अगर कोई है तो वाई क्रोमोसोम है, याद रखना सबसे। और सबसे बड़ा अगर कोई है तो क्रोमोसोम नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज वाई एंड द लॉन्गेस्ट और द टॉलेस्ट वन इज क्रोमोसोम नंबर 1। ये जो है बेसिकली स्पर्म बनाने के लिए ये जीन कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो जीन स्पर्म बनाता है वो कौन सा जीन है? तो हम कहते हैं ZFY। और दूसरा जो है बेसिकली ये है PSY2V जीन। इसकी वजह से ये अगर एक्टिवेट हो गया तो हाइपर ट्राइकोसिस होता है। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब कान के ऊपर बाल आना। और जो वाई क्रोमोसोम है, ये वाई वाला जिसे हम बात कर रहे हैं, वो दो चीज है इसके लिए, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर और SRY मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड आना चाहिए। अब एक और छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में बार बार आता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, चीजों को मिस नहीं करेंगे, वो है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो जैसे ही आपने सेक्स क्रोमोसोम वर्ड यूज किया तो इसका दूसरा नाम क्या है? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसे आप एलोसोम्स कहते हो।
अच्छा इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल, इसको ईडियो क्रोमोसोम कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज ईडियो क्रोमोसोम। तो आप इसे एलोसोम भी कह लो या ईडियो क्रोमोसोम भी कह लो। अब सेक्स क्रोमोसोम में हम दो पढ़ते हैं, एक एक्स पढ़ेंगे और एक वाई। एक्स को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है गाइनोसोम। गाइनो इज फॉर गाइनेशियम, फीमेल। इसको सबसे पहला किसने बताया था? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ हेनकिंग। हेनकिंग ने 1891 में सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात किया, वो भी किस में? टेस्टिस ऑफ मेल बग। बग मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो मेल बग में इन्होंने उसके टेस्टिस को निकाला, छोटे से बग को पकड़ा और उसके टेस्टिस के निकाल के उसके अंदर से एक्स क्रोमोसोम ढूंढा। तो डेफिनेटली इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वाई को क्या कहते हैं? जैसे एक्स को आपने गाइनोसोम कह दिया, तो वाई को कह दो एंड्रोसोम, क्योंकि एंड्रोसोम जो वर्ड है वो एंड्रोशियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है? तो इसमें TDF आ जाएगा, SRY आ जाएगा, होलैंड्रिक जीन्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली सारे के सारे जो हैं एंड्रोसोम से रिलेटेड है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आपने कह दिया सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपको याद ये रखना था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिजर्ड, लिजर्ड की प्रजाति में देयर इज नो मेल। इन्होंने अपने आप को कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में कुछ इस तरीके से इवॉल्व किया है कि इनको मेल की जरूरत ही नहीं है। जैसे ह्यूमन फीमेल में बेसिकली मेंस्ट्रुएशन होता है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक एग रिलीज होता है, तो वैसे यहाँ पर भी है। लिजर्ड के अंदर भी बेसिकली क्या होगा? एग रिलीज होगा। तो जो एग रिलीज होता है वही एग जो है फीमेल में डेवलप हो जाता है। मतलब ये हो गया कि लिजर्ड जो है बेसिकली फीमेल ओनली, इनके में सिर्फ फीमेल्स होती हैं। देयर इज नो मेल एज सच इन लिजर्ड। टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, वॉल लिजर्ड जो दीवार पे छिपकलियां उड़ती हैं चलती हैं, वो वॉल लिजर्ड के पास मेल नहीं होता, सिर्फ फीमेल होती है। लिजर्ड अंडे देगी, उसमें से फीमेल हैच आउट होगा। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो होता है, आप अगर क्रोकोडाइल की बात करो या फिर टर्टल्स की बात करो, तो इनमें जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, आप ये कह सकते हो इनमें सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। मतलब इनके में ऐसा मेल फीमेल के लिए कोई एक्स या वाई क्रोमोसोम होता नहीं है। तो एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई टर्टल ने मान लो जमीन के अंदर अंडे दे दिए, तो ये जमीन है और इसके नीचे जो है टर्टल ने अंडे दे रखे। ये अंडा एक पर्टिकुलर टाइम पे हैच आउट होगा, और जिस भी टाइम पे हैच आउट होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस वक्त जब इस अंडे को हैच होना है, फूटना है, उस वक्त एक क्रिटिकल टेम्परेचर होना जरूरी है जो अंडे को हैच करने में मदद करता है। अगर उस वक्त का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रहा, तो सारे के सारे अंडे जो है बेसिकली फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उस वक्त जो टेम्परेचर रहा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहा, तो सारे के सारे अंडे मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्रोकोडाइल और टर्टल में टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि मेल टर्टल होगा या फीमेल। एक और खास बात इसको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको नॉनसेंस सिलेबल दे देता हूं, जिसे हम कहते हैं हॉट चिक्स एंड कूल डूड्स। ये आप याद रखिए, तो इसमें शायद आप नहीं भूल पाओगे। हॉट चिक्स मतलब हाई टेम्परेचर पे सारी लड़कियां, कूल डूड्स मतलब लो टेम्परेचर पे सारे लड़के। तो ये जो है क्रोकोडाइल का बेसिकली या टर्टल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हुई। वहीं पर आप क्रेपिड्यूला की बात करोगे। अब आप सोच रहे हो क्रेपिड्यूला क्या है? तो क्रेपिड्यूला एक स्नेल है, सो इसको हम स्लिपरी स्नेल कहते हैं। तो क्रेपिड्यूला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर जो फीमेल है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, जब वो स्नेल अकेला है, मान लो एक ये एग है
और इस एग के साथ एक अडल्ट बेसिकली स्नेल है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये अडल्ट एग है और ये अडल्ट क्या है, स्नेल है। तो अगर अगर ये एग और अडल्ट स्नेल साथ में है तो बेसिकली क्या बन जाते हैं, मेल। फीमेल में आप ये कह सकते हो जब अडल्ट नहीं है, मतलब मैं इस फीमेल में क्या कह रहा हूँ कि ये अडल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है उसका, एग है। तो फीमेल में क्या होता है, जब एग अकेला रेयर होता है तो फीमेल बन जाती है। तो हम कहते हैं व्हेन रियर्ड अलोन, ये अंडा अकेला है तब वो बेसिकली क्या बन जाएगा, बन जाएगी फीमेल। और अगर ये इसी एग के साथ जो है कोई मेल स्नेल या फिर कोई स्नेल साथ में है तो मेल में कन्वर्ट होता है। मतलब मेल स्नेल कब बनेगा, इन कंपनी ऑफ एन अडल्ट। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप अडल्ट के साथ हैं तब आप मेल बन जाएंगे, और अगर आप किसी के साथ नहीं अकेले हैं तो आप फीमेल बन जाएंगे। तो ये भी एक अजीब सा सेक्स डिटर्मिनेशन है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं, बेसिकली इट इज ऑफ मरीन वर्म, और इस मरीन वर्म का जो नाम है इट इज बोनेलिया वायरिडिस। तो बोनेलिया वायरिडिस जो है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो है पूरा का पूरा पानी है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दिस इज द ओशन, ये पूरा समुद्र है। अब सवाल ये उठता है कि इस ओशन के बेड पे, तो हम यहाँ पर जो है छोटा सा एक बेड बना लेंगे जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा। सो दिस इज लेट अस टेक टू बी द ओशन, ये ओशन है और ये जो है ये सरफेस है। तो सरफेस पे मान लो एक बोनेलिया वर्म प्रेजेंट है, ये दिस इज द बोनेलिया वर्म, और ये जो है सारे ये इसके अंडे हैं, ये सारे एग्स हैं बेसिकली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लार्वा होगा, एग हैच आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, बेसिकली हम सबको पता है लार्वा बन जाएंगे। तो ये जो लार्वा है उसकी लैंडिंग पे टर्न होगा बेसिकली। अब आप ध्यान से समझना, जो अगर ये एग जो है इस फीमेल पे गिरते हैं, एग किस पे गिर रहा है, फीमेल वर्म पे, तो बेसिकली ये एग जो इस पे लैंड करेगा वो क्या बन जाता है, मेल। और यही अगर एग डायरेक्ट सरफेस पे गिरेगा तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल। मतलब बोनेलिया वायरिडिस में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लैंडिंग ऑफ एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ यंग वंस। सोचो अगर वो फीमेल पे गिरता है वो लार्वा तो बेसिकली वो मेल बन जाएगा, और अगर वो खुद जमीन को टच कर जाता है तो बेसिकली ये जो है फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही मेल जब एंटर करता है फीमेल में तो वहां पे वो एज अ पैरासाइट रहता है जो फीमेल को फर्टिलाइज कर देने के बाद उसको ही खा जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है बेसिकली ये हो गया मरीन वर्म के बारे में। एक और है क्लाउन फिश, इसे हम कहते हैं क्लाउन फिश को, जो है आप लोगों ने नीमो, फाइंडिंग नीमो करके एक मूवी देखी हो बहुत पहले, तो उसमें होता है। क्लाउन फिश में होता क्या, मान लीजिए ये एक फिश है, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसे लेकर के चल रहे हैं, ज्यादा इसकी टेक्निकलिटी पे मत जाइएगा कि सर फिश नहीं दिख रहा है, बट जस्ट हम लेकर के चल रहे हैं, ये एक फिश है, ये भी एक फिश है। तो दो फिश हैं आपस में आमने सामने, और बाकी ये सारे जो फिशेज हैं बेसिकली वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, दीज आर ऑल फिशेज। ऐसे बहुत सारे फिशेज हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नीमो का या फिर क्लाउन फिश में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पूरी तरह से अलग है। एक बात आपको क्या याद रखना है कि क्लाउन फिश में जब भी कोई पैदा होता है तो बेसिकली ये सब के सब जो है मेल पैदा होते हैं, ये सब के सब क्या पैदा होंगे, मेल। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे फिश नीचे दिख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्या है, मेल हैं, और ये अपने मेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एक मेल क्लाउन फिश है और एक फीमेल है। अगर मान लो किसी कारण से ये फीमेल क्लाउन फिश मर जाती है, शी डाइज,
तो यही मेल जो है क्या करता है, अपने जेंडर को चेंज करता है, तो चेंजेस इटसेल्फ इनटू फीमेल, ये अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर लेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा, और यहां से एक मेल आकर उससे मीटिंग करेगा। मतलब क्लोन फिश में आप सब मेल ही पैदा होते हो, पर जब आप मरोगे बेसिकली तो आप एक फीमेल के फॉर्म में मरते हो। तो ये क्लोन फिश में सेक्स डिटरमिनेशन होता है, छोटा छोटा लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम सबको ध्यान से समझना है। हमने लिंकेज के बारे में बात किया था, जहां पर हमने इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज भी देखा था। कंप्लीट लिंकेज में जो एग्जांपल है वो है एक्स क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला मेल कंप्लीट लिंकेज दिखाएगा, और इनकम्प्लीट में क्या होता है, जी मेज वो जो है बेसिकली ग्रेन्स के कलर पे दिखता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें समझना है वो नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसे आप म्यूटेशन का नाम देते हो, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो भी हमें पढ़ना है, जो हम नॉर्मली देखते हैं। और सिकल सेल एनीमिया जो हमने इतना सारा पढ़ा, वो सिकल सेल एनीमिया जनरली कुछ नहीं है, सिर्फ एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है हम म्यूटेशन को स्टडी करेंगे। अगर किसी ने पूछ लिया भाई म्यूटेशन होता क्या है, तब तो आप कह दोगे म्यूटेशन इज नथिंग बट सडन चेंज इन द डीएनए। किसी ने पूछा म्यूटेशन क्या है, तो आप कह दो सडन चेंज इन डीएनए। और ये जो सडन चेंज होता है डीएनए में बेसिकली वो किसी भी रीजन से हो सकता है। अब यहाँ पर रीजन जो है, इट कैन बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और इवन इट कैन बी नॉर्मल केमिकल अटैक, किसी से भी हो सकता है। म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? म्यूटेशन को हम स्पोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज स्पोर्ट, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन याद रखना स्पोर्ट दूसरा नाम है, और इसको सॉल्टेशन भी कहा जाता है। तो स्पोर्ट और सॉल्टेशन दो नाम आप कह सकते हो। म्यूटेशन होता किसकी वजह से, तो हम कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होगा। अब म्यूटाजन क्या हो सकता है? म्यूटाजन अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, या तो कोई ना कोई केमिकल हो सकता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो जिस वजह से म्यूटेशन हो उसको आप क्या देते हो, म्यूटाजेन केमिकल। तो सडन चेंज इन द डीएनए और इन द जीन, बेसिकली इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अब समझने वाली बात यह है कि जब आप म्यूटेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो म्यूटेशन को बेसिकली ये होता क्यों है, तो सबसे पहला रीजन म्यूटेशन होने का वो है वेरिएशन के। अब सवाल उठता है कि आप बदलाव हमेशा अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं। वेरिएशन दोनों हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी यूजफुल वेरिएशन और इट कैन बी हार्मफुल वेरिएशन, फायदे वाला भी हो सकता है, नुकसान वाला भी हो सकता है। अगर यूजफुल वेरिएशन हुआ तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, पर हार्मफुल वेरिएशन वाला जानवर वहां पे ही मर जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि म्यूटेशन जो होगा, जैसे एक सिंपल सा मैं जीन ड्रॉ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक जीन हमने बना दिया पिंक कलर का, और वहीं पर एक हमने जीन बना दिया ग्रीन कलर का। तो ये जो पिंक कलर वाला जीन है बेसिकली वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल बाल के लिए, तो इसको हम कह देते हैं हेयर, ये हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ग्रीन कलर वाला जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिंगर्स के लिए। अब आपको पूछा जाए एक हाथ में कितनी उंगलियां था, पांच कहोगे, फाइव फिंगर्स। लेकिन अगर इसी जीन में किसी कारण से क्या हो जाए, म्यूटेशन, अब यहां पर अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये जो फाइव फिंगर वाला जीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो एक म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये होता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसके पास अब कोई जरूरी नहीं है कि फाइव फिंगर्स ही हो सकता है उसके पास सिक्स फिंगर हो सकता है उसके पास सेवन फिंगर हो, या हो सकता है उसके पास फोर फिंगर हो या हो भी ना, क्योंकि डिपेंड करता है कितना म्यूटेशन हुआ है। तो ये जो म्यूटेशन है ये सडन चेंज होगा और इस वजह से सारा प्रॉब्लम अराइज होता है। अब म्यूटेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे किसी ने पूछा म्यूटेशन में टाइप्स क्या क्या हैं, तो
तो याद रखना, म्यूटेशन में अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप इन्वर्शन है, जो दूसरा टाइप है उसे आप डुप्लीकेशन कह देते हो, जहां पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। जो नेक्स्ट वाला है उसे आप डिलीशन कहते हो, कि एक पर्टिकुलर पार्ट जो है जीन का डिलीट हो जाता है। और जो दूसरा टाइप है वो है इंसर्शन। तो यहाँ पे हम चार टाइप के बेसिकली म्यूटेशन को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि म्यूटेशन में होना क्या है। हम चारों एक स्टैंडर्ड जीन मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड जीन है। अब इसी स्टैंडर्ड जीन को लेकर के हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं ए, इसको कह लेते हैं बी, इसको कह लेते हैं सी, इसको कह लेते हैं डी, ई और एफ। ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसी को लेकर के अब हमें हर एक जगह पे यही चीज को क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो सबसे पहला इन्वर्जन में क्या होगा? तो इन्वर्जन में बहुत सिंपल सा चीज होता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन में ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट यहां से, आप देखो एफ, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद डी। मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये जीन को रख करके हम सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डी ई एफ जो आपको ऐसे जाना था, यहाँ पे क्या चल गया, उल्टा। तो इसी टाइप के म्यूटेशन को हम क्या कह देते हैं, इन्वर्शन। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये हो जाता है कि कोई एक जीन जो है डुप्लीकेट हो गया। सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है। सी को हम क्या कर लेंगे, बेसिकली डबल कर लेते हैं। तो सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। तो ये जो सी वाला जीन है, ये क्या हो गया, डबल। मतलब वो जीन का एक्सप्रेशन दो बार होगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, डुप्लीकेशन, दी नंबर ऑफ जीन डबल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिलीशन। अब डिलीशन में क्या होगा, कि हम सबको पता है कोई एक पर्टिकुलर जीन जो है क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो जैसे ही आप डिलीशन का बात करोगे, तो डिलीशन में हम ऐसे देख लेते हैं, ये हमने बना लिया यहाँ पर। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ए, बी, डी, ई, एफ। कौन सा जीन गायब हो गया, तो सी वाला जीन गायब हो गया। तो इसी को हम कहते हैं डिलीशन। इस वजह से क्या होगा, सी वाले जीन का फंक्शन इस इंसान के शरीर में कभी दिखने वाला नहीं है। फिर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ये होता है कि कोई अननोन जीन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इसी को इंसर्शन का नाम दिया गया। तो चलो इंसर्शन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, एम, ई और एफ। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो है, ये एम जो है, ये जबरदस्ती कहीं से आ गया है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं इंसर्शन। मतलब इस जीन की जरूरत नहीं थी आया। तो ये अलग अलग टाइप के बेसिकली म्यूटेशंस हम देखते हैं, जहाँ पे इन्वर्जन डुप्लीकेशन होता है। एक और भी टाइप आता है जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में बेसिकली क्या होता है, पूरा का पूरा जीन का सेगमेंट ही एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कॉमन एग्जाम्पल म्यूटेशन का, जिसे पॉइंट म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिर्फ एक ही जगह पे चेंज है, एक ही जगह पे। तो पॉइंट म्यूटेशन में हम जो कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है SCA। SCA का फुल फॉर्म हम सबको पता है, सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया में होता ही क्या है, इसके लिए जीन कहाँ लोकेटेड है, तो हम कहते हैं इसका जीन लोकेटेड है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल इंसान है उसके सिक्स अमाइनो एसिड के पोजीशन पे, ध्यान से समझना, नॉर्मल में क्या होता है कि सिक्स अमाइनो एसिड पे जो सिक्स कोडॉन होगा बेसिकली,
तो सिक्स्थ कोडॉन जो है, अभी कोडॉन वगैरह आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ोगे, सिक्स कोडॉन क्या होता है, जीएजी, जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड बनता है, आप उसे कहते हो ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब किसी इंसान को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसका सिक्स्थ पोजीशन बदल जाता है, और वहां पर यह हो जाता है कि जो सिक्स्थ कोडॉन है वो जीएजी ना हो करके को बन जाता है जीयूजी। अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ए को क्या कर दिया, यू से रिप्लेस किया, और ए को अगर यू से रिप्लेस किया तो ये अब अमाइनो एसिड ग्लूटामिक ना दे करके वैलिन के लिए कोड करता है, और सिर्फ इसी वैलिन की वजह से जो नॉर्मल आरबीसी होना चाहिए था उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और बेसिकली वो क्या बन जाता है, वो बन जाएगा सिकल शेप का। तो इसे जो है बेसिकली हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है वो है पेडिग्री एनालिसिस। चलो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और बेसिक्स कर लेते हैं क्योंकि बेसिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट में इसके ऊपर ज्यादा करके चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ बेसिक्स पूछा जाता है, तो उन्हीं बेसिक्स पे ही हम फोकस करेंगे। पेडिग्री वर्ड जो है, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया पेडिग्री, तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है, पेडिग्री मतलब होता है फैमिली ट्री एनालिसिस। क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह दोगे कुत्ते का बिस्किट, ऐसा नहीं होता। पेडिग्री का जो एक्चुअल मीनिंग है वो अलग है, वो स्टडी ऑफ फैमिली ट्री है। जब आप पेडिग्री का पढ़ोगे तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स तो कर लें, और एक बार बेसिक्स कर लेंगे तब सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। चलो सबसे पहला डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। सो इट इज सेड द स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, ध्यान से समझना, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट बेसिकली इज कॉल्ड पेडिग्री। अब यहां पर हमें कुछ साइन एंड सिंबल्स ध्यान में रखने हैं, और ये साइन एंड सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप पेडिग्री नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे एक्स वाई एक्स एक्स ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पे प्रॉपर एक सिंबल डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला, अगर आपको ऐसा एक बॉक्स दिखता है तो इसे हम मेल कहते हैं। दूसरा, अगर आपको एक ऐसा सर्कल दिख जाता है तो इसे हम फीमेल कहते हैं, और वहीं पर बॉक्स और सर्कल के बीच में एक लाइन दिख जाए तो इसे आप मैरिज कहते हो, इसे हम जो है बेसिकली मैरिज कहते हैं, या फिर इसे चाहे तो मेटिंग भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लैश डाल के मीटिंग लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर और सर्कल के बीच में अगर मान लो दो लाइन हो गया, तब आप ये नहीं कहोगे कि इस इंसान ने दो बार शादी की है, नहीं, हम इसे कंसेजियस मैरिज कहते हैं। कंसेजियस मैरिज का मतलब हो जाता है अपने रिलेटिव में शादी करना, जैसे मामा की बेटी से शादी कर देना विद इन द ब्लड, अगर शादी होता है तो उसे कंसेजियस मैरिज कहा जाता है। शादी होने के बाद जरूरी है बच्चों का होना, तो ऑफस्प्रिंग को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस ब्रांच में ऐसे। तो ये जो सिंबल्स बनाए ये किसके हैं, ऑफस्प्रिंग के हैं, इसके बच्चे होते हैं। मान लो पहले लड़का हो गया तो आप स्क्वायर बना दो, दूसरी लड़की हो गई आप सर्कल बना दो। मैंने यहाँ पे दो बच्चे दिखाए, आप जितने हुए हैं उतने दिखा सकते हो, चार बच्चे हुए तो आप चार लाइनें से दिखाइए। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि हमने अगर स्क्वायर बना करके हाफ एरिया को शेड कर दिया तो ये इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये हेट्रोजाइगस मेल है, मेल है और कैरियर है, उस जीन के लिए कैरी कर रहा है, तो हेट्रोजाइगस मेल। वहीं पर अगर मैंने सर्कल बना के हाफ शेड किया तो इससे आपको समझ में आ जा रहा है मैं ये हेट्रोजाइगस फीमेल है, बेसिकली ये फीमेल है जो एक कैरियर है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे हेट्रोजाइगस मेल हो या फीमेल हो, ये इंडिकेट कर रहा है कि कैरियर। अच्छा, ये तो हाफ शेड की बात हो गई, अगर इसको पूरा शेड कर दे तो क्या कहलाएगा ये, तो बेसिकली पूरा शेड अगर आपने कर दिया तो ये कहलाएगा सफरर मेल, और अगर आपने पूरे सर्कल को ही शेडिंग कर दी तो
तो ये कहलाएगा सफरर फीमेल। तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल को पहचानते हैं। अगर मान लो हमने स्क्वायर बना करके एक स्ट्रोक दे दिया तो इसका मतलब हो गया डेथ। किसका डेथ हुआ? मेल का। तो हमने कह दिया डेथ ऑफ मेल। अच्छा, सर्कल बना के अगर लाइन कर दिया तो ये भी क्या है? डेथ है। तो इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो डेथ ऑफ फीमेल। तो इस तरीके से मेल और फीमेल के डेथ को आप बताते हो। अगर आपने ये सिंबल यूज किया ऐसे, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि इसका सेक्स क्या है। जैसे आप बहुत बार सुनते हो जो है दादा परदादा जब बातें करते हैं तो उनके 5 बच्चे थे पर कितने बेटी कितनी बेटियां मुझे नहीं पता है, तो इट इज अनस्पेसिफाइड। तो आप 5 नंबर लिख के ये सिंबल बनाओगे। ये सिंबल क्या है? तो इट इज बेसिकली स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब ये होने वाला है, पैदा नहीं हुआ है, और इवन इट इज कंसिडर्ड एज अबॉर्शन। अब कभी कभी क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जुड़वा का सिंबल क्या है? देखिए, सर स्क्वायर बनाओ, सर अब दोनों बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, जुड़वा मतलब ऐसा हम बनाते हैं। अगर हमने ऐसा बनाया तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? देखो, इसमें 2 ऑप्शन है, 3 इनफैक्ट। सर्कल स्क्वायर और स्क्वायर हो जाए मतलब मेल दोनों बेटा पैदा हो गया, या तो एक ऑप्शन है स्क्वायर और सर्कल पैदा हो जाए बेसिकली, या तो एक ऑप्शन है दोनों डॉटर पैदा हो। तीनों में से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पर। ये जो ट्विंस हैं इसे हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विन में लड़का लड़की कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ डाइजाइगोटिक कंडीशन में ही ये होता है। अच्छा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसा दिखाते हैं? तो स्क्वायर बनाओ, सर्कल बनाओ, और फाइनली लाइन बना के इन्हें स्क्वायर और स्क्वायर बना के जोड़ दो। एक ऑप्शन ये है, स्क्वायर स्क्वायर जुड़ गया, या तो आप सर्कल सर्कल बना के जोड़ो, मतलब कंफर्म है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपको बॉय बॉय मिलेगा या तो गर्ल गर्ल। बॉय गर्ल अगर हुआ ट्विंस में तो आप कह सकते हो वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि अगर आप किसी इंसान पे पेडिग्री बना रहे हो तो उसे नाम क्या दिया जाता है? तो हम इसको पहले एक वर्ड लिखते हैं, प्रोबैंड। प्रोबैंड मतलब क्या हो गया? पर्सन ऑन हूम पेडिग्री इज प्रिपेयर, जिसके ऊपर भी आप पेडिग्री प्रिपेयर करो। तो हम कहते हैं पर्सन On whom pedigree is prepared, तो आप उसे नाम क्या दे देते हो? Proband। अच्छा, proband अगर लड़का हुआ तो क्या? तो हम यहाँ पर जो है square बना करके arrow दिखा देते हैं, तो ये male हो गया। Male proband को क्या कहा जाता है? It is called as propositus। अच्छा, जरूरी नहीं कि दादा के साइड की हम pedigree पढ़े, कभी कभी दादी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अगर फीमेल जो है इसमें इन्वॉल्व है तो इसे आप क्या कह दोगे? इसे आप कह दोगे प्रोपोजिटा। तो आपके पास 2 ऑप्शन, प्रोपोजिटस या प्रोपोजिटा, मेल या फीमेल। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो हमें पेडिग्री में हमेशा ध्यान में रखने हैं। और पेडिग्री के लिए अलग अलग टाइप के पेडिग्री चार्ट्स भी होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट, तो टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट हम जो देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल बीमारियां हैं जो जीन में ट्रेवल कर सकती हैं। तो एक बहुत सिंपल सा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए, तो हम 2 चीजें ले लेते हैं। चलो पहले ऑटोसोमल लिख लेते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि वो ट्रेड जो आप पढ़ रहे हो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? बेसिकली सेकंड ऑप्शन में आप कह सकते हैं कि वो एक्स लिंक्ड ट्रेट भी हो सकता है। एक्स लिंक्ड में भी 2 ऑप्शन है, या तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट भी हो सकता है। एक्स लिंक्ड के बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती, फटाफट पहचान लेते हैं, क्योंकि हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जो चौथा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
मदर से ही ट्रांसफर होगा, अगर मदर इंफेक्टेड है तो ही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं ट्रांसफर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये जो है मैटरनल साइटोप्लाज्मिक ट्रेट में आ जाता है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। इसको आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, या इसका एक और नाम भी है, इसे आप अगर चाहो तो आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का भी नाम दे सकते हो। तो बेसिकली ये पेडिग्री का पार्ट इसमें आता है, और इसके बाद जो चीजें आएंगी वो है सम्स, कि कैसे हम पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डायग्राम की तरफ चलेंगे और वहां पे उसे स्टडी करेंगे।